अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। आज मैं आपको इफ्तार के आइटम में से एक आइटम बता रही हूँ, वो है अंडा बोंडा। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये है, एक कटोरी बेसन है, चार बॉयल करे हुए एग्स है, ये चार अंडे हैं उसको बॉयल कर लीजिए आप, और अदरक लहसुन है, मैं डालते वक्त बताऊँगी कितना लगेगा, मिर्ची, हल्दी, नमक, सोडा और थोड़ा हरा मसाला। तो अब मैं पहले जो है इसका बैटर बना लूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। देखिए अब मैं बैटर रेडी कर रही हूँ, उसके लिए एक ज़रा बड़ा बाउल ले ली, अब ये पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए अब इसमें जो है एक दो चमचे अदरक लहसुन डालूँगी ऐसे हाफ, और ये चमचे से एक दो चमचे लाल मिर्ची, दो चमचे लाल मिर्ची लीजिए और हाफ चमचा हल्दी और आधा चमचा नमक, ये जो है टेस्ट कर लेना बाद में, और आधा चमचा जो है सोडा, और ये सब जो है लेके आप इसको जो है थोड़ा सा पानी के घोल में मिक्स करके बैटर बनाना है। देखिए अब थोड़ा सा पानी लेके इसका बैटर रेडी करिए, और ये बहुत जो है सेमी सॉलिड रहना, देखिए ये बहुत लिक्विड के वैसा भी नहीं रहना और बहुत सॉलिड भी नहीं रहना, अरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के बनाइए आप। ये मैं आपको ऐसा बनाइए रेडी करे बाद दिखाती हूँ। देखिए ये बैटर जो है ये फॉर्म में रेडी हुआ। अब ये बारीक हरी मिर्ची है, देखिए बिल्कुल ऐसी इतनी बारीक बारीक कट करिए, या तो आप लोग जो है उसका पेस्ट भी बना के डाल सकते, मगर ऐसा कट करके भी डालें तो खाने में अच्छी दिखती आई। तो ये बैटर में जो है मैं थोड़ी कोथमीर और एक दो हरी मिर्ची डाल दी थी, जीरा पाउडर आपको बोलना भूल गई थी, ये चमचे से थोड़ा हाफ चमचा ऐसा जीरा पाउडर डाल दीजिए, हो गया। और ये अंडों को जो है मैं छिलका निकाल के पील कर ली। देखिए अब जो है यहाँ कढ़ाई चूल्हे पे रख दी मैं, अब इसमें ऑयल डाल रही हूँ, ज़रा ऑयल अच्छा होना पड़ता देखिए आप, क्योंकि ये जो है डीप फ्राई करना पड़ता ना। अब ये तेल गरम होने के बाद मैं जो हूँ बताती हूँ। देखिए एक अंडे को जो है मैं इसमें बेसन में डाल के ऐसा डिप कर ली, देखिए अब ऐसा छोड़ रही हूँ उसके ऊपर, स्लो पे रख रही हूँ। अब दूसरा भी जो है ऐसे ही डालूंगी, देखिए उसको भी ऐसे डिप करके डालना है। देखिए हाथों से भी कवर कर सकते हैं अगर आप चमचे से भी नहीं चाह रहे। देखिए आप देखिए माशाल्लाह ये अंडा बोंडा बन के रेडी हो गया। ये चार बॉयल एग के थे ना, तो उसमें से देखिए मैं बनने के बाद हाफ हाफ कर दी करके आपको बता रही हूँ, आप लोग बनाइए ट्राई करिए, इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएंगी। अगर पसंद आई तो आप जो है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।